बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीतल कसीम से कुछ वीडियो क्लिप सामने आ रखे हैं जी, मैं यहाँ पर आपको अभी दिखा भी देता हूँ और शायद अभी कुछ पिक्चर आपको एक साथ में दिखा रहा हूँ। मैं दिन के टाइम भाई रात के मनाजर सामने आ रखे हैं। ऐसे मनाजर मैंने ताइफ में देखे हैं, गुबार के नहीं, मुहर्रम में इतनी सुर्खी हो जाती थी शाम के टाइम, आप यकीन करें कि आसमान बिल्कुल सुर्ख हो जाता था। और अगर बात करें, ये जो पिक्चर अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं ब्रीदा कसीम में, वैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं तकरीबन एक साल के अराउंड में रह चुका हूँ ब्रीदा नेजा वगैरह में, अपना टाइम गुजार चुका हूँ। आपको पता सर्दी में ब्रीदा के पाइपों में पानी जम जाता है, पानी आता नहीं है, वो वाल खोलने पड़ती है, पीछे से मोटर वगैरह चलानी पड़ती है, फिर आस्ता आस्ता बर्फ के पीछे निकलते हैं, उसके बाद पानी आने लगता है, तो इतनी सर्दी होती है जी। वैसे तो ज्यादातर रेत ही है जी ब्रीदा में, और खजूरों के बाग हैं। सराकी भाई बहुत से काम करते हैं, रेत बोल रहा हूँ आपको, तो इसी वजह से भाई ब्रीदा में गुबार उठा हुआ है रेत का। और गुबार यहाँ पर आपको वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ, गुबार की सूरत हाल ये है कि दिन के टाइम रात के मनाजर हैं जी। लाइट्स वगैरह जो स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं वो भी ऑन कर दी गई हैं, और उसके अलावा गाड़ियों को भी ये कह दिया गया है तमाम ड्राइवर हजरात अपनी लाइट्स ऑन करके ड्राइविंग करें। रेत का गुबार इतना चढ़ा हुआ है, और ये ब्रीदा कसीम नहीं, ये रियाज से लेकर अगर हम हायल तक की बात करें तो इस पूरे एरिया में ये फैला हुआ है। ब्रीदा कसीम में ये काफ़ी ज़्यादा है।